दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का ये मैच नंबर 27 है जो कि सुबह में 10:30 पे स्टार्ट होगा। ये मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एकेडमी जो है धर्मशाला के वेन्यू पे होने वाला है। यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करेंगे इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये वीडियो काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेज न्यूजीलैंड, यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक जो है 5 मैचेस खेले हैं जिसमें जो है 3 मैच विन किया है। न्यूजीलैंड की टीम ने अभी तक जो है 5 मैचेस खेले हैं जिसमें 4 मैच विन किया है। अगर न्यूजीलैंड की टीम ये एक मैच अगर जीत ले जाती है तो टॉप 4 में उसकी जगह लगभग ऑलमोस्ट जो है पक्की हो जाएगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया ये वाला मैच हार जाती है ना तो उसके लिए काफी बड़ा जो है संकट हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर दोनों ही टीम के लिए डू डाई की सिचुएशन है, स्पेशली यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए। सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। धर्मशाला पर लास्ट मैच जो हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड का ही मैच हुआ था जो कि 22 अक्टूबर को खेला गया था। हमें अच्छी जो है बैट दिखने के लिए मिली थी, अच्छा बैटिंग जो है देखने के लिए मिला था, हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है, फास्ट बॉलर्स को एडवांटेज मिला था। यहाँ पर फास्ट बॉलर ने अच्छे विकेट्स निकाले हैं लास्ट के जितने भी मैचेस इस वेन्यू पे हुए हैं। वेदर या रेनी बताया जा रहा है, यानी कि जो है बारिश आने के स्लाइटली जो है चांसेस है। वैसे ऑफिशियल जो पिच रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। फर्स्ट इनिंग का स्कोर देखोगे 294 है जो कि काफी अच्छा जो है यहाँ पर माना जाएगा। वेन्यू पर अगर आप देखोगे टोटल 8 जो है ओडीआई मैचेस हुए हैं, 240 रन एवरेज स्कोर है। 3 बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 5 बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। देखो यहां पर जो है जो भी टीम टॉस वन करेगी ना वो बैट फर्स्ट करना जो है प्रेफर करेगी। 200 से नीचे का स्कोर 3 बार बना है, 200 से 250 के बीच में 2 बार, 250 से 299 के बीच में 1 बार और 300 से ऊपर यहां पर जो है 2 बार स्कोर बना है। वेन्यू पर हाइएस्ट स्कोर 364 रन है, लोवेस्ट स्कोर 111 रन है। वेन्यू पर जो लास्ट के 2 मैच खेले गए हैं वो आप देख लो। यहां पर रिसेंटली जो है न्यूजीलैंड की टीम और इंडिया की टीम ने मैच खेले थे, न्यूजीलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। 11 विकेट फास्ट बॉलर ने लिए जबकि 3 विकेट स्पिनर ने लिए। इस मैच में देखोगे 14 विकेट फास्ट बॉलर ने लिए जबकि 4 विकेट जो है स्पिनर ने लिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप जो है गेस कर सकते हो कि फास्ट बॉलर्स को जो है एडवांटेज जा रहा है और फास्ट बॉलर्स ने जो है विकेट्स यहाँ पर निकाले हुए हैं। अब हेड टू हेड की रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो हेड टू हेड में देखोगे ऑस्ट्रेलिया जो है वन साइडेड है। यहाँ पे टोटल 141 जो है ओडीआई मैचेस हुए हैं, 95 टाइम्स जो है यानी कि 95 बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने विन किया है जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने जो है सिर्फ 39 बार मैच विन किया है। लास्ट इनके बीच में जो हेड टू हेड का मैच हुआ था उसको भी जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है विन किया था, 25 रन से जो है मैच विन किया था। दोनों ही टीम की रिसेंट फॉर्म आपको हमने ऑलरेडी बताई कि न्यूजीलैंड अपने लास्ट के 5 में से जो है 4 मैचेस विन करके आ रही है। हालांकि लास्ट मैच जो है इंडिया के सामने इन्हें लॉस का सामना करना पड़ा था जबकि ऑस्ट्रेलिया अपने बैक टू बैक जो है 3 मैचेस विन करके आ रही है और लास्ट वाला मैच तो भाई रिकॉर्ड बना के आ रही है, 309 रन से जो है विन करके आ रही है नीदरलैंड से। ये टीम जो है काफी अच्छा है। इनके अगर मैं प्लेयर के स्टैट्स की बात करूं तो वार्नर काफी अच्छा जो है खेल रहे हैं। वार्नर जो है अभी तक 5 मैचेस में 332 रन कर चुके हैं और लास्ट मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने भाई 40 बॉल में जो है सेंचुरी मार दी थी। बुमराह काफी एडम जाम्पा काफी अच्छा कर रहे हैं। जाम्पा ने अभी तक 5 मैचेस में भाई 13 विकेट टोटल जो है निकाले हुए हैं तो इनकी बॉलिंग भी जो है अब थोड़ी सी अच्छी हो गई है। बाकी पैट कमिंस और स्टार्क हेजलवुड ये जो है अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे लेकिन टॉप ऑर्डर के बैटर्स में 2-3 हो गए और लास्ट मैच में जो है स्टीवन स्मिथ ने भी अच्छा जो है इनिंग्स खेला था। लास्ट मैच का स्कोर कार्ड यार जाके जरूर से आप जो है देख लेना। ऑस्ट्रेलिया टीम की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं, डेविड वार्नर के साथ में मिशेल मार्श आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, बट डाउन पे स्टीवन स्मिथ है, उसके बाद मार्नस लबुशाने हैं, जोस इनिंग्स है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्कस स्टोनिस है, पैट कमिंस है, मिशेल स्टार्क है, एडम जाम्पा है और जोस हेजलवुड है। ये ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 है, प्लेयर रोल भी साइड में हमने लिखे हुए हैं। लास्ट मैच में मिशेल मार्श ने बॉलिंग कराई थी, 2 विकेट लेकर गए और डेविड वार्नर ने भाई बैक टू बैक 2 सेंचुरी मार दी है इस सीजन और मार्नस लबुशाने ने 62 किया जबकि अगर आप स्टीवन स्मिथ का देखोगे तो इन्होंने भी लास्ट मैच में 71 किया और ग्लेन मैक्सवेल ने भाई टोटल 106 रन किया। विकेट्स अगर आप देखोगे स्टोनिस को 2 विकेट मिला और मिशेल मार्श को 2 विकेट मिला, 4 विकेट एडम जाम्पा को मिला। एडम जाम्पा ये कारनामा 3 बार कर चुके हैं, बैक टू बैक जो है 4-4 विकेट ले रहे हैं, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया जो है कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। प्लेयर की अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, डेविड वार्नर हेड टू हेड में टोटल 15 मैचेस है, 639 रन है तो लगभग जो है आपको बता दें कि 50-60 रन हर मैच में करते हैं। वेन्यू पर रिकॉर्ड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मिशेल मार्श ने 9 मैचेस खेले हैं, 12 विकेट निकाले हैं 236 रन के साथ में। स्टीवन स्मिथ ने 14 मैचेस खेले हैं, 531 रन है, 2 विकेट लिया हुआ है। लबुशाने ने 4 मैचेस खेले हैं, 116 रन है
और जो सिरिंग्स ने एक मैच खेला है जिसमें 10 रन है, ग्लेन मैक्सवेल ने 11 मैचेस में 98 रन किए हैं और 6 विकेट निकाले हैं हेड टू हेड में। स्टोनिस की अगर हम बात करें, 5 मैचेस में 214 रन है, तो हर मैच में लगभग 50 स्कोर करते हैं, 5 विकेट भी निकाले हुए हैं। पैट कमिंस ने 9 मैचेस में 107 रन किए हुए हैं, टोटल 18 विकेट है, लगभग जो है हर मैच में 2 विकेट लेकर जाते हैं। मिशेल स्टार्क ने 13 मैचेस में जो है 29 विकेट निकाला है, तो ये भी लगभग हर मैच में 2 विकेट लेके जाते हैं। हेजलवुड ने 14 मैचेस में 28 विकेट किया हुआ है, तो ये भी लगभग हर मैच में 2 विकेट लेकर जाते हैं। जाम्पा ने 8 मैचेस में 14 विकेट निकाले हैं, तो जाम्पा ने भी जो है अच्छी बॉलिंग की है। ओवरऑल बॉलर्स इनके काफी कमाल करते हैं हेड टू हेड के मैचेस में। वेन्यू रिकॉर्ड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब न्यूजीलैंड की टीम अगर मैं बात करूं, तो ये अपना लास्ट वाला मैच जो है इंडिया के हाथों हार के आ रही है, लेकिन उसके पहले 4 मैच जो है बैक टू बैक इन्होंने जो है विन निकाले थे। इनकी तरफ से मैट हेनरी ने जो है अच्छी बॉलिंग कराई है इस टूर्नामेंट में, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना तो बैटर जो है उतना अच्छा नहीं किए हैं, हालांकि डेरियल मिचेल ने जो है अच्छी इनिंग्स कुछ खेली है। सेटनर और जो है यहाँ पे मैट हेनरी ने, इन लोगों ने काफी अच्छी जो है गेंदबाजी करी है। बाकी डेविड कॉर्नवे मिशेल जो है यहाँ पे सॉरी डेरियल मिचेल और जो है रचिन रवीन, इन्होंने कितना रन किया है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर जो है लिखी हुई है। न्यूजीलैंड की हम प्लेइंग 11 देख लेते हैं। डेविड कॉर्नवे के साथ में विल यंग आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, वन डाउन पे रचिन रवीन है, उसके बाद डेरियल मिचेल है, टॉम लाथम है, गैलन फिलिप्स है, मार्क चैपमन है, मिशेल सेटनर है, लॉकी फर्गुसन है, ट्रेंट बोल्ट है और मैट हेनरी है। ये न्यूजीलैंड टीम की प्लेइंग 11 है। साइड में हमने प्लेयर रोल भी लिखा हुआ है, तो प्लेयर रोल भी जो है आप एक एक प्लेयर का यहां पर जो है पढ़ सकते हो। बाकी लास्ट मैचेस में अगर आप देखोगे, डेविड कॉर्नवे 0 रन पे आउट हुए, विल यंग ने 17 रन किया और रचिन रवीन ने भाई 75 रन किया, 130 रन किया जो है डेरियल मिचेल ने। बाकी यहां पर अगर मैं बॉलिंग में बात करूं, लॉकी फर्गुसन को 2 विकेट मिला। लॉकी फर्गुसन जो है फॉर्म में है और विकेट लेके जा रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है न्यूजीलैंड की टीम के लिए। मैट हेनरी ने भी जो है हर मैचेस में लगभग विकेट निकाले हैं और ट्रेंट बोल्ट ने भी जो है हर मैचेस में लगभग जो है विकेट निकाले हुए हैं। अब प्लेयर के स्टैट्स की बात करते हैं। डेविड कॉर्नवे ने टोटल 3 मैचेस खेले हैं, लगभग 72 रन है। विल यंग और रचिन रवीन ने कोई भी हेड टू हेड में मैचेस नहीं खेले हैं। वेन्यू पर इनका लास्ट मैच हुआ था इंडिया के अगेंस्ट में ही, तो वहां पर आप जो है इनके रिकॉर्ड्स देख सकते हो। डेरियल मिचेल ने 3 मैचेस खेले हैं, 52 रन है। टॉम लाथम ने 10 मैचेस में 146 रन किया है। गैलन फिलिप्स ने 3 मैचेस में 47 रन जो है किया हुआ है। हेड टू हेड में उतना अच्छा रिकॉर्ड आपको देखने के लिए किसी प्लेयर का नहीं मिलेगा। मार्क चैपमैन ने हेड टू हेड में मैचेस नहीं खेले हैं। सेटनर ने 13 मैचेस खेले हैं, 17 विकेट निकाले हैं, 235 रन किए हैं, तो इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा है। लॉकी फर्गुसन ने 8 मैचेस में 10 विकेट निकाले हैं। बाकी ट्रेंट बोल्ट ने 15 मैचेस में 39 विकेट निकाले हैं, लगभग 3 विकेट हर मैच में लेके बंदा जाता है। बाकी मैट हेनरी ने 8 मैचेस में जो है 17 विकेट यहां पर निकाले हुए हैं। अब अपनी टीम देखते हैं। टीम की अगर मैं बात करूं, तो देखो यार यहां पर जो है ग्रैंड की ये मैंने जो है टीम बनाई है। ऐसी टीम्स आप जो है बना सकते हो। डेविड कॉर्नवे है, डेविड वार्नर है, मिशेल मार्श है, डेरियल मिचेल है, गैलन फिलिप्स है, रचिन रवीन, मिशेल सेटनर, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेंट बोल्ट, एडम जंपा और मैट हेनरी। ग्रैंड की टीम सही है। ये ग्रैंड की टीम में आपको क्या करना है कि जो भी टीम आपको लगती है ना कि थोड़ा सा कम जो है मतलब जो भी टीम आपको लगती है कि जो है कम परफॉर्मेंस करेगी, उसके ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स अपनी टीम में जो है भर लो, क्योंकि भाई वो टीम जो है पूरी मिला जुला के जो है परफॉर्मेंस करेगी। तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो मैंने 7 प्लेयर जो है मैंने न्यूजीलैंड टीम के लिए लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम मेरी फेवरेट रहने वाली है, ऐसी टीम्स मैंने बनाई है। ओपनर्स को अपने टीम में लिया है, कैप्टनसी ली है वार्नर को, जाम्पा को वाइस कैप्टनसी। एक काम आप और भी कर सकते हो, रचिन रवीन, सेटनर या गैलन फिलिप्स में से यहाँ पे ड्रॉप करके आप किसी एक एक्स्ट्रा बॉलर को जो है ले सकते हो अपनी टीम में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बाकी अभी हम बनाएंगे अपनी 2-3 मेंबर की टीम ड्रीम 11 पे। स्मॉल लीग की सीबीसी ऑप्शन देख लो, डेविड वार्नर, रचिन रवीन, डेविड कॉर्नवे, डेरियल मिचेल, ये 4 आपको वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मिलती है। इन्हीं चारों में लोग जो है सीबीसी जा रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन्हीं चारों में आप सीबीसी जाओ। बाकी ग्रैंड लीग में अगर आप जा रहे हो तो भाई मैक्सवेल को ट्राई करना, टॉप ऑर्डर फेल होता है, बहुत अच्छा करके दे सकते हैं। मिशेल मार्श ने लास्ट मैच में बॉलिंग कराई थी, 2 विकेट लेकर गए थे और भाई इस सीजन एक सेंचुरी भी मार चुके हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। सेटनर को जरूर से ट्राई करना, इस वेन्यू पर स्पिनर को विकेट नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान में रखेगा, लेकिन सेटनर को ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो। स्टीवन स्मिथ लास्ट मैच में जो है थोड़ा सा रंग में दिखाई दिए थे, 70 प्लस रन की जो है इनिंग्स के लिए, और ये बंदा जो है रुक कर खेलता है तो लंबी इनिंग्स के लिए जो है जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा ग्रैंड लीग की टीम में जरूर से सीबीसी कर लेना। डिफरेंशियल पिक्स में एडम जाम्पा, ट्रेंट बोल्ट, मिशेल सेटनर और जो है पैट कमिंस को मैंने रखा हुआ है, सॉरी मिशेल स्टार्क को हमने जो है और पैट कमिंस को रखा हुआ है डिफरेंशियल पिक्स में, यानी कि जो है इनको वन बाय वन करके आपको जो है रिप्लेस करना है किसी एक प्लेयर के साथ में, और आपकी ग्रैंड की टीम्स जो है 20 रेडी हो जाएगी।
सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज रहेगी ना वो रहेगा मेरे भाई टेलीग्राम का चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल रखी है, यहाँ पर आपको फ्री टीम्स मिलेगी, फ्री गिवे बताए जाएंगे, मैच के अपडेट्स मिलेंगे, और भी कोई जानकारी होगी तो मैं आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। जरूर से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगी। चलिए अब ड्रीम इलेवन पे चलते हैं, जहां पे अपने 2-3 मेंबर की टीम जो है रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों मैच जो है सुबह 10:30 पे है। टाइमिंग का स्पेशली ध्यान रखिएगा क्योंकि वर्ल्ड कप के कल 2 मैचेस होने वाले हैं। डेविड कॉनवे, टॉम लाथम, जो सिनिंग्स, आपको 3 ऑप्शन मिलती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा डेविड कॉनवे को अपनी टीम में लेके जाओ, टॉम लाथम को लेके जाओ, बैट आने के हाई चांसेस है। मैंने डेविड वार्नर को लिया है, मिशेल मार्च को लिया है, और स्मिथ को लिया है, और डेरियल मिचेल को अपनी टीम में लिया है। बाकी मैक्सवेल हमारी टीम में डायरेक्टली आएंगे। मैंने रचिन रवीन को भी अपनी टीम में लिया है। मिशेल सैटनर इस सीजन जो है विकेट्स भी निकाल रहे हैं, प्लस रन भी करके आपको दे सकते हैं, अच्छी ऑप्शन है, आप अपनी टीम में रख सकते हो। मैंने स्टार्क को भी लिया है अपनी टीम में, ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम में लिया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो मैंने जो है मैट हेनरी को अपनी टीम में लिया है। अब देखो बॉलर्स को अगर आपको अपनी टीम में भरना है, जोस हेजलवुड, एडम जाम्पा को ले सकते हो, जाम्पा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैक टू बैक 3 मैचेस में 4-4 विकेट लेके आ रहे हैं, और जबरदस्त जो है भाई परफॉर्मेंस दी है। अगर आप देखोगे ना लास्ट के 3 मैचेस में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, ग्रैंड लीग के कैप्टन रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मैच में शायद से ये फेल होने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी पैट कमिंस, लॉकी फर्गुसन, आपको काफी सारी जो है बॉलिंग ऑप्शंस मिलती है। मैंने यहाँ पर थोड़ा बैट पर जो है फोकस किया हुआ है। सीबीसी की बात करें तो देखो यार, सबसे जो मुझे यहाँ पे बेहतरीन ऑप्शन लग रही है वो है रचिन रवीन की, जो कि बैट बॉल दोनों करेंगे, तो इनको मैंने कैप्टनसी दी है। वाइस कैप्टनसी यहाँ पर मैं मैक्सवेल के साथ में जो है जाने वाला हूँ। टीम प्रीव्यू की बात कर लेते हैं गाइज। अगर टीम प्रीव्यू की बात की जाए, 5-6 का कॉम्बिनेशन है, 5 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के, 6 प्लेयर मैंने न्यूजीलैंड के लिए हैं। टॉम लाथम है हमारी टीम में, डेविड कॉनवे है, डेविड वार्नर है, स्टीवन स्मिथ है, मिशेल मार्श है, डेरियल मिचेल है, ग्लेन मैक्सवेल है, रचिन रवीन है, मिशेल स्टार्क है, ट्रेंट बोल्ट है, और मैट हेनरी है। ये टीम मेरी यहाँ पर कंप्लीट होती है ऑस्ट्रेलिया वर्सेज न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप ओडीआई मैच के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।